हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपक सिंह एंड यू आर वेलकम इन माय चैनल सिंटेक। अगर अभी तक आपने सिंटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपके पास लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंचता रहे। So, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लिस्ट व्यू कंट्रोल क्या है। ठीक है, तो ASP.NET वेब फॉर्म के अंदर लिस्ट व्यू कंट्रोल का क्या पर्पस है और कैसे करके हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो चीज हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, सो इससे जो पहले की जो सीरीज थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि डेटा लिस्ट कंट्रोल क्या है। उससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे से कंट्रोल पढ़े। अभी जो हम एक नया कंट्रोल यहां पर समझने वाले हैं वो लिस्ट व्यू कंट्रोल है। सो गाइस देखो, जो लिस्ट व्यू कंट्रोल है ये भी जो अदर जो हमारे पास जो डेटा कंट्रोल्स थे, जैसे ग्रिड व्यू कंट्रोल था, डिटेल व्यू कंट्रोल था, फॉर्म व्यू कंट्रोल था, आपका डेटा लिस्ट कंट्रोल था, रिपीटर था, इनके जैसे ही हमारे पास ये लिस्ट व्यू कंट्रोल भी है। ये भी बेसिकली जो है रिकॉर्ड को ब्राउजर पर बेसिकली रेंडर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है गाइस, और ये भी देखो, ये जो डेटा कंट्रोल है ये भी हम लोगों को जो डेटा सोर्स कंट्रोल में जो वैल्यूज होते हैं उसको बाइंड करना अलाउ करता है। तो हम इसके साथ भी जो डेटा सोर्स की वैल्यूज है इस लिस्ट व्यू कंट्रोल के साथ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं और उसके बाद उसे ब्राउजर पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है गाइज, लेकिन गाइज देखो, ये इसको जो अदर जो हमारे पास जो डेटा कंट्रोल्स है उनसे काफी ज्यादा डिफरेंस बना देता है। उसकी क्या प्रॉपर्टी ऐसी है जो इसे और डेटा सोर्स कंट्रोल से डिफरेंट बना देता है? सो इसमें ऐसा क्या चीज है जो इसे और डेटा सोर्स कंट्रोल से डिफरेंट बना देता है? सो वो प्रॉपर्टी ये है कि ये देखो, इसके अंदर एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जिसके थ्रू ये जो आइटम है ना, आइटम को ये इंडिविजुअली भी डिस्प्ले कर सकता है और एज अ ग्रुप भी डिस्प्ले कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आइटम केवल इंडिविजुअली डिस्प्ले होगा या आइटम केवल ग्रुप में जैसे हमारे पास ग्रिड व्यू में डिस्प्ले हो रहा था वैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो रिकॉर्ड है यहाँ पे वो दोनों मोड में आप डिस्प्ले कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू योर हैंड वेदर यू वॉन्ट टू डिस्प्ले इंडिविजुअली और यू वॉन्ट टू डिस्प्ले इन अ ग्रुप। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ नीचे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में एक टेबल डिस्प्ले करेगी, तो ये बेसिकली ग्रुप में आइटम जो रिकॉर्ड है उनको ग्रुप में यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो ग्रुप का बोलने का मतलब है आपकी जो हेडिंग्स है, बेसिकली जो कॉलम की जो हेडिंग है टॉप, तो वो कॉमन रहने वाली है। उसके बाद हम लोगों के पास जो रो है, रो में पर स्टूडेंट रिकॉर्ड आप लोगों को यहां पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो कॉलम्स के जो नेम थे वो बेसिकली रो में आ गए और जो कॉलम बेसिकली जो रो वाइज आ रहे हैं उनकी रिस्पेक्टेड यहाँ पे वैल्यूज भी डिस्प्ले कर रखी है। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो इंडिविजुअली डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जितेश का रिकॉर्ड है वो इंडिविजुअल डिस्प्ले हो रहा है, सागर का इंडिविजुअल डिस्प्ले हो रहा है, जिष्णु का इंडिविजुअल डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन जो राइट जो लेफ्ट साइड जो टेबल है उसमें देख सकते हो जो रिकॉर्ड है वो एज अ ग्रुप यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि इंडिविजुअल का मतलब है कि आपको पास जो हेडिंग है और उसकी जो रिस्पेक्टेड वैल्यू है वो एक सेपरेट टाइल्स में मिलेगा, और जो आपके पास जो एज अ ग्रुप कह रहा हूं उसमें आप लोगों का जो रिकॉर्ड होगा वो एज अ ग्रुप ही होगा, यानी कि आपके जो कॉलम्स होंगे उसकी जो हेडिंग्स होंगी वो आपके लिए कॉमन होगी वहां पे। ओके गाइस, सो इसके अलावा जो एक सिमिलैरिटी है जो कि जो हमारे पास ग्रिड व्यू कंट्रोल था, जो हमारे पास डिटेल व्यू कंट्रोल था, फॉर्म व्यू कंट्रोल था, वो सिमिलरिटी ये है कि इसके अंदर भी हम लोग जो करंट ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हम लोगों को अपडेट करना है, हम लोगों को कुछ चीज इंसर्ट करना है उसमें, हमने कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, ठीक है, पेजिनेशन वाला वगैरह आपको इनेबल करने हैं, तो वो चीज लिस्ट व्यू कंट्रोल हम लोगों को अलाउ करता है। तो लिस्ट व्यू के अंदर हम लोग जो करंट ऑपरेशंस होते हैं वो हम लिस्ट व्यू के अंदर यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे उस नेचर से ये ग्रिड व्यू कंट्रोल को यहाँ पे फॉलो करता है। ओके, सो अभी लिस्ट व्यू कंट्रोल को और क्लियरली समझने के लिए हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पे मतलब एक क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे करके बेसिकली ये और डेटा जो कंट्रोल्स है उनसे कैसे करके इसे डिफरेंशिएट बनाता है और कैसे करके हम बेसिकली इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने वेब फॉर्म के साथ। ओके गाइस, तो इसके लिए मैं अभी मूव करता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो पे। ओके गाइस, सो मैं यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो खोल दिया है, तो वही पेज अगेन हमारे पास जो मैंने स्टार्टिंग में जो यूज कर रहा था वही पेज, तो वही वेब पेज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सारे डेटा कंट्रोल को डिस्प्ले करने के लिए, ताकि आप लोगों को मतलब डिफरेंशिएट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए मतलब मैं एक ही पेज के अंदर यहां पे उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो अभी ये काम कर लेते हैं, सबसे पहले मैं इस हेडिंग को यहां पे कॉपी कर लेता हूं, ताकि जो हेडिंग बेसिकली डिफरेंशिएट कर रही है इन सबको, तो हेडिंग को मैं पहले यहां पे एडिट कर लेता हूं इसके लेबल को। तो इसका जो टेक्स्ट है उसमें क्या है, ये हम लोग अभी क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं लिस्ट व्यू को। ओके, सो मैं यहां पे लिखूंगा लिस्ट व्यू कंट्रोल। ओके, लिस्ट व्यू कंट्रोल। ओके, ये करने के बाद सिंपल आप देख सकते हो ये हेडिंग यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। अब हेडिंग के बाद सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे अब मुझे लिस्ट व्यू के बाद यहाँ पे बेसिकली लिस्ट व्यू को यहाँ पे लिस्ट व्यू कंट्रोल को यहाँ पे ऐड करना है। तो लिस्ट व्यू कंट्रोल को ऐड करने के लिए यहाँ पे सिंपल मुझे लिखना होगा लिस्ट व्यू। ओके, लिस्ट व्यू कंट्रोल।
ठीक है, तो लिस्ट व्यू लिखोगे तो लिस्ट व्यू यहाँ पे दिखाई देगा, डबल क्लिक करते ही लिस्ट व्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो अभी के लिए यहाँ पे किसी प्रकार का बाय डिफॉल्ट लेआउट आपको दिख नहीं रहा है, तो अभी मैं एक काम कर लेता हूँ, डेटा सोर्स यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। तो डेटा सोर्स जो मैंने स्टार्टिंग में यूज किया था वही डेटा सोर्स मैं कॉमनली सब यूज कर रहा हूँ, तो एसक्यूएल डेटा सोर्स 1 मैं यहाँ पे कॉमन लेके चल रहा हूँ सब डेटा सोर्स के साथ। तो मैं इसको यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। इसको चूज करने के बाद देखो गाइज, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ये चूज कर दिया। अब ये चूज करने के बाद बेसिकली आप लोगों को जो कॉन्फ़िगर लिस्ट व्यू है आपको इस पे क्लिक करना है। जब तक आप कॉन्फ़िगर नहीं करोगे लिस्ट व्यू को कि आप किस फॉर्मेट में बेसिकली डेटा को चाहते हो, आप इंडिविजुअली रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना चाहते हो या एज अ ग्रुप डिस्प्ले करना चाहते हो, तब तक ये आप लोगों को कुछ भी डिस्प्ले करके नहीं देगा। ठीक है, तो ये नेसेसरी है कि आप लोगों को यहां पर बेसिकली जो लिस्ट व्यू है वो कैसे करके डिस्प्ले करना है वो आप लोगों को यहां पर बताना पड़ेगा इस लिस्ट व्यू कंट्रोल को। तो वो कैसे करना है उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर लिस्ट व्यू पे यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कॉन्फ़िगर लिस्ट व्यू पर क्लिक करोगे तो यहां पर बेसिकली आपको बोला कि आपको ग्रिड फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है, यानी कि ग्रिड यानी कि आपको ग्रिड व्यू के जैसे आपको डिस्प्ले करना है, या टाइल्स फॉर्मेट में। तो टाइल्स फॉर्मेट में बेसिकली आप लोगों को क्या होगा जो मैं बता रहा था, इंडिविजुअली रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। तो आप देख सकते हो आईडी, आईडी नेम, एज, जो हेडिंग है, परसेंटेज एज है, वो सबके साथ कॉमन कॉमन नहीं है, ये सबके साथ क्या है इंडिविजुअल रिकॉर्ड के साथ अपना खुद का एक हेडिंग है। ठीक है, तो टाइल्स में बेसिकली होता क्या है, रिकॉर्ड इंडिविजुअली डिस्प्ले होता है, ग्रिड में एज अ ग्रुप डिस्प्ले होता है। इसके अलावा आप बुलेटेड लिस्ट में रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकते हो, उसके अलावा आप फ्लो में आप डिस्प्ले कर सकते हो, उसके अलावा आप सिंगल रो आप ऐसे करके डिस्प्ले कर सकते हो, सिंगल रिकॉर्ड एट अ टाइम। ठीक है, सिंगल रो एट अ टाइम। ठीक है, उसके अलावा देखो मैं अभी एक काम करता हूँ, एज ऑफ नाउ मैं टाइल्स फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करता हूँ। और यहाँ पे जो सेलेक्ट स्टाइल है बेसिकली जो लुक एंड फील है, वो कलरफुल चाहिए आपको, प्रोफेशनल चाहिए आपको, आपको मतलब ब्लू चाहिए, क्या कैसे चाहिए आपको। ठीक है, या आप नो फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, तो कलरफुल भी अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल भी यहाँ पे काफी हद तक अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे प्रोफेशनल यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके अलावा मैं इसमें इनेबल एडिटिंग कर सकता हूँ, ओके, इनेबल इंसर्शन कर सकता हूँ, इनेबल डिलीशन कर सकता हूँ, इनेबल पेजनेशन भी कर सकता हूँ। ओके गाइस, सो ये करने के बाद अब सिंपल यहाँ पे मुझे करना है ओके। ओके करने के बाद अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे टाइल्स फॉर्मेट में बेसिकली मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो टाइल्स फॉर्मेट में आप लोगों को ये रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं इसे सिंपल ब्राउजर में रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमारा वेब पेज यहाँ पे रेंडर हो चुका है ब्राउजर पे। तो हम चलते हैं नीचे और देखना स्टार्ट करते हैं। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइस, यहाँ पे जो लिस्ट व्यू कंट्रोल है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैसे करके आपको मतलब लिस्ट व्यू एक टाइल फॉर्मेट में बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल रिकॉर्ड आपको दिख रहा है, तो दीपक का जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड है ये इंडिविजुअल रिकॉर्ड बेसिकली दीपक का है, ये इंडिविजुअल रिकॉर्ड बेसिकली राम का है, और ये इंडिविजुअल रिकॉर्ड बेसिकली श्याम का है। इसी प्रकार से हमारे पास जो और भी है उनके इंडिविजुअल रिकॉर्ड है। ठीक है, सो अभी देखो, अभी मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि देखो अगर मैं इसे एडिट करना चाहता हूँ बेसिकली, तो मैं एडिट के लिए एडिट पर क्लिक करूंगा। तो एडिट पर क्लिक करते ही पता क्या होगा, जैसे मैं एडिट पर क्लिक करूंगा तो जो फील्ड होंगे मेरे पास लिस्ट व्यू कंट्रोल में वो टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मैं इस दीपक को दीपक सिंह कर लेता हूँ और सिंपल अपडेट पर क्लिक करूंगा। अपडेट पर क्लिक करते ही बेसिकली वो वैल्यू वहाँ पर अपडेट हो चुकी होगी, आपको दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे दीपक सिंह हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे मैं डिलीट पर क्लिक करूंगा तो ये रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो जाएगा, लेकिन मैं रिकॉर्ड अभी यहाँ डिलीट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले आप लोगों को दिखा दिया है कि मतलब डिलीट प्रॉपरली यहाँ पे काम कर मतलब और कंट्रोल के साथ प्रॉपरली काम कर रहा है, तो इसके साथ भी प्रॉपर काम करेगा। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो इसके लिए एक सेपरेट एक टाइल्स इसने दे रखा है यहाँ पे, तो एक सेपरेट टाइल्स में बेसिकली आप रिकॉर्ड को इंसर्ट भी कर सकते हो। तो एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, एक रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ, उसका नाम एक्स वाई जेड और एज इसके देते हैं 56 एंड परसेंटेज अगेन 70 और इंसर्ट पे मैं क्लिक करूंगा। इंसर्ट पे क्लिक करते ही अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं नीचे, तो आप ये देख रहे होंगे जो एक्स वाई जेड है ये नया रिकॉर्ड 70% के साथ यहाँ पे क्या हुआ, नया रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, तो डिलीट करने के लिए सिंपल मैं आप डिलीट पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो रिकॉर्ड था वहाँ पे बेसिकली जो एक्स वाई जेड का वो रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से आप करंट ऑपरेशन बेसिकली इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो। ओके गाइस, सो ये बेसिकली इंडिविजुअल मैंने रिकॉर्ड को यहाँ पे डिस्प्ले किया। अब हम एक काम कर लेते हैं, मैंने आपको ये भी बोला था कि जो लिस्ट व्यू कंट्रोल है ये रिकॉर्ड को एज अ ग्रुप भी डिस्प्ले करता है, मतलब जरूरी नहीं कि आप रिकॉर्ड को इंडिविजुअल रिकॉर्ड वहां पर डिस्प्ले करेगा। सो ये रिकॉर्ड को इंडिविजुअली एज वेल एज आपको ग्रुप में भी डिस्प्ले करना अलाउ करता है। तो उसके लिए क्या करना, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। आपको अपना जो लिस्ट व्यू कंट्रोल है उसमें जाना है, एरो के साइन पे क्लिक करना है, अगेन कॉन्फ़िगर लिस्ट व्यू पे क्लिक करना है, जो ग्रिड है आपको ग्रिड पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप ग्रिड पे क्लिक करोगे, ग्रिड पे क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, इनेबल इंसर्शन, इनेबल पेजनेशन, इनेबल ये डिलीशन एंड इनेबल पेजनेशन आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, ये करने के बाद देखो आप यहाँ पे जो बेसिकली आपका पेजनेशन है वो आप न्यूमेरिक में चाहते हो
या आप मतलब आप समझाता हूँ आप लोग को, ये बेसिकली आप देख रहा पा रहे हो यहाँ पे नंबर में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप वो चाहते हो कि कुछ लिखा हुआ है ऐसे में, नेक्स्ट फर्स्ट लास्ट, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू योर हैंड। तो यहाँ पे मैं न्यूमेरिक कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपल मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद सिंपल मैं यस कर लेता हूँ। अब आपको बेसिकली यहाँ पे ग्रिड फॉर्मेट में यहाँ पे दिख रहा होगा। सो अब हम एक काम कर लेते हैं, इसको सिंपल यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसको ब्राउजर में रन करके देखता हूँ तो कैसे ये दिख रहा है। ओके सो ब्राउजर पे हमारा वेब पेज रेंडर हो चुका है। तो मैं स्क्रॉल नीचे कर लेता हूँ तो ये हमारा रहा लिस्ट व्यू कंट्रोल। तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड देख सकते हो, एक ग्रिड फॉर्मेट बेसिकली हम लोगों को दिख रहा है। तो ये ग्रुप में हमारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रखा, तो आप देख सकते हो जो आईडी, नेम, एज और परसेंटेज का जो कॉलम है, वो कॉलम की जो हेडिंग है बेसिकली वो कॉमन है सबके लिए। बाकी रिकॉर्ड यहाँ नीचे हम लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी जो करंट ऑपरेशन है वो यहाँ पर प्रॉपर काम कर रहा। तो एडिट में अगर करूंगा तो एडिट पर क्लिक करते ही बेसिकली आप देख सकते हो जो फील्ड थी वो टेक्स्ट बॉक्सेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो दीपक सिंह से मैं दीपक सिंह हटा देता हूँ, दीपक रखता हूँ, सिंह हटा देता हूँ और मैं सिंपल इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करते मैं स्क्रॉल नीचे करता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। तो आप देख पा रहे हो जो दीपक है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो चुका है। उसके अलावा मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकता हूँ। उसके लिए इसने यहाँ पे एक सेपरेट यहाँ पे इसने टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं एक्स वाई जेड जो मैंने डिलीट किया था उसको अगेन यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। एक्स वाई जेड और एज 50 एंड जो परसेंटेज है यहाँ पे 80 देते हैं। और ये करने के बाद सिंपल आपको इंसर्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करते ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक्स वाई जेड रिकॉर्ड यहाँ पे 19th आईडी के साथ यहाँ पे ऐड हो चुका है। ओके गाइस, उसके अलावा अगर आप कुछ लिखते हो और बाय अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो आप क्लियर पे क्लिक कर सकते हो। क्लियर पे क्लिक करते हुए बेसिकली जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यूज थी वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और डिलीट भी यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है। अभी ये एक्स वाई जेड वाला जो 19th आईडी के साथ जो रिकॉर्ड है उसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो डिलीट पे क्लिक करते आप देख पा रहे होंगे जो एक्स वाई जेड वाला रिकॉर्ड था 19th आपका रिकॉर्ड जो आईडी के साथ था वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। ओके गाइस, सो यहाँ पे अभी देखो पेज का साइज अभी 1 है क्योंकि एट अ टाइम बेसिकली मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 आई थिंक ये 10 रिकॉर्ड है। तो एट अ टाइम 10 रिकॉर्ड मैंने अलाउ कर रखे, तो इसलिए आपको पेजिनेशन में एक यहाँ पे पेज साइज दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर पेज साइज अगर 4 करता या 3 करता तब जाके आपको यहाँ पे और नंबर दिखा देते पेजिनेशन में 1 2 3 4 5 से ऑन। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग एक पेज से दूसरे पेज में मूव कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा अगेन आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें फॉर्मेटिंग इसमें आप लोग दे सकते हो। तो फॉर्मेटिंग देने के लिए आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर इसमें चले जाते हैं और जो कलरफुल हम लोग इसको कर लेते हैं। कलरफुल करने के बाद इनेबल एडिटिंग करते हैं, इंसर्शन डिलीशन पेजिनेशन वगैरह सब चीज़ हम अनेबल कर लेते हैं और यस कर लेते हैं। और ये करने के बाद ये सेव कर दिया। और ब्राउजर में मैं यहाँ जैसे इसे रिलोड करूंगा यूआरएल को तो आप देख पाओगे कि इसका जो लुक एंड फील है बेसिकली लिस्ट व्यू कंट्रोल का, तो वो लुक एंड फील काफी अच्छा आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। सो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो लुक एंड फील है काफी अच्छा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। जो कंट्रोल्स है वो काफी अच्छे यहाँ पे दिख रहे हैं। सो इस प्रकार से बेसिकली आप लिस्ट व्यू कंट्रोल का अपने ASP.NET वेब फॉर्म के साथ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और होप आप लोग को यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस पता चल गया होगा जो और जो डेटा कंट्रोल्स हैं और जो लिस्ट व्यू कंट्रोल है उसमें मतलब क्या डिफरेंस है, मतलब क्या चीज इसे उन डेटा कंट्रोल से अलग बना देता है। ओके गाइस, तो होप आप लोग को यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया हो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका वहाँ पे आपको जो क्वेरी होगी उसको वहाँ पर रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा अगर आपको पर्सनली कुछ चीज पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप जो ग्रुप बना रखा है उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस पर ऐड होकर आप मुझे वहां पे पर्सनल क्वेरी आप पूछ सकते हो। तो वहां पे मैं आप लोगों का जो क्वेरी है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।